इंतजार करने के बावजूद आपको मैंने बताया था कि 600 किलोमीटर दूर है हम, अब बाइक पहुंची है शाम के कुछ 6 बज गए हैं और अब जैसे ही बाइक हमें मिलेगी हम रिव्यू करेंगे। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बाइक को जल्दी से रिव्यू करते हैं और नेक्स्ट जो है ड्रीम का भी आपको रिव्यू मिल जाएगा। जी बाइक जो है फाइनली हमारे पास पहुँच चुकी है, डिलीवर हो गई है हमारे शोरूम पे और जैसे ही अभी ये जो है हमें देंगे बाइक्स और हम जो हैं फिर रिव्यू करेंगे। ब्लैक आपके सामने है बिल्कुल, आप देख सकते हैं, जल्दी से आपका भाई जो है रिव्यू करेगा। शाम का वक्त हो गया, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लेना क्योंकि रात का टाइम हो चुका है हमें इंतज़ार करते करते। और आपको ड्रीम दिखाता चलूँ तो ड्रीम जो है वो ये है, आप देख सकते हैं इसमें जो है ड्रीम भी है, आप देख सकते हैं। अभी जो है हम फिलहाल 125 का जो है रिव्यू करेंगे, जल्दी से ये हमें बेसब्री से इंतज़ार है कि ये हमारे पास जल्दी से आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या चाल है, ये होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया था कि बाइक जो है आ जाएगी और मैं काफ़ी देर जो है वेट करता रहा हूँ, 6 बजे हमें बाइक जो है रिसीव हुई है और अभी जो है मैं आपसे जो है डिटेलिंग रिव्यू करने वाला हूँ। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, जल्दी से लाइक कर दें ताकि मैं आपको फर्स्ट लुक और आपको जो है कुछ डिटेल्स देख सकूँ। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, जल्दी से लाइक कर दें। आप सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके लुक के बारे, इसके स्टीकर के बारे में। तो स्टीकर आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। इसके बाद अगर बात कर लीजिए इसके पैडल के बारे में, तो पैडल में चेंजिंग की गई है, पैडल जो है थोड़ा सा मोटा किया गया पहले की निस्बत। इसके इंजन में जो चेंजेस की गई हैं वो मैंने आपसे पहले भी शेयर कर दी थी कि जो पुश राड है, वाल है, वाल सीट है और पिस्टन है, ऐसी तमाम चीज़ें जो हैं चेंज की गई हैं। और लुक की बात की जाए, बाकी अगर इंडिकेटर लाइट्स वगैरह और मीटर की बात की जाए तो मीटर और इंडिकेटर लाइट्स वगैरह जो है बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि पहले थी। और अगर ग्रिप की बात की जाए तो ग्रिप भी जो है वैसे के वैसे हैं और जो फीचर्स आपको पहले मिलते थे वही फीचर्स मिलते हैं। इसके बाद अगर बात कर ली जाए इस तरफ राइट हैंड के ग्रिप की, तो इस तरफ आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। और लुक वाइज जो है बाइक काफ़ी खूबसूरत है, देखने में भी काफ़ी खूबसूरत है, जबकि पिक्चर्स में इतना अच्छा नहीं लग रहा था बाइक, रियल में जो देखने का मज़ा है वो अलग ही है। इसके बाद अगर प्राइस की बात की जाए, प्राइस जो है इस बाइक की वो आप देख सकते हैं 147,500 का आपको बाइक मिलेगा। इसकी जो है फ्यूल इकोनॉमी को बेस्ट करने के लिए इसके कार्बोरेटर में भी चेंजिंग की गई है जो कि काफ़ी बेस्ट हो गया है और हम इसका फ्यूल एवरेज टेस्ट भी करेंगे जल्दी। इसके बाद अगर बात कर ली जाए इस बाइक के गियर लीवर के बारे में, तो गियर लीवर आप देख सकते हैं इसमें भी चेंजिंग की गई है, इसको भी जो है चेंज किया गया इसके गियर लीवर को ताकि इसकी जो है गियर शिफ्ट और जो है गियर वगैरह की जो चेंजिंग है वो बेहतर हो सके। तो आप देख सकते हैं बाइक काफ़ी खूबसूरत है और इसके ग्राफिक भी आप देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मैं जल्दी जो है इसका टेस्ट भी करूंगा, ड्राइव टेस्ट भी करेंगे। और वीडियो पसंद आई हो तो भाई को जल्दी से लाइक कर दें, ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए सीडी ड्रीम और बाकी भी जो है रिव्यूज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। लाइक करें और सब्सक्राइब करें, आई होप कि आज का रिव्यू आपको पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आप मज़ीद डिटेलिंग्स जो मैंने तमाम जो हैं चीज़ें बताई हैं वो आई कार्ड पर मैं लगा दूँगा, वहाँ से आप क्लिक करके देख भी सकते हैं कि पिस्टन क्या होता है जिनको नहीं पता, वाल वगैरह का, वाल सीट वगैरह का जिनको नहीं पता वो आई कार्ड पर क्लिक करके के वो वीडियो भी मेरी देख सकते हैं जो मैंने एक दिन पहले ही आपसे शेयर कर दी थी चेंजेस। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके बाद जो है रेड कलर का रिव्यू भी करेंगे और सीडी ड्रीम का भी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।